अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आपको थंबनेल से देख के पता चल ही जाएगा कि ये एनिवर्सरी व्लॉग है। तो ये अनएक्सपेक्टेड था, जिसका मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि लोग ऐसा कुछ करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम था जब भी हम लोग की एनिवर्सरी इस तरीके से बच्चे लोग मना रहे करके, बच्चे लोग और मेरे हस्बैंड ने मिलके और मेरी देवरानी, उन लोग ने सबने मिलके मुझे ये सरप्राइज़ किया दिया था। इन लोग ने, उसमें मेरा भाई भी शामिल था, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड, उन लोग ने सबने मिलके मुझे ये एनिवर्सरी का सरप्राइज़ दिया था। तो इधर वही वीडियो है अभी जो आप देख रहे हो। तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं था क्या ऐसा कुछ, मतलब आज के दिन होएगा या ऐसा कुछ। तो इधर इन लोग केक लेके आए थे सब जन ने मिल के, थोड़ा बहुत कुछ उन लोग ने वो भी किए थे। तो इधर सब केक कटिंग वगैरह हो गई थी, तो इधर सब एक दूसरे को केक खिला रहे थे। और ये मेरी समझो कि 15 साल मेरे कंप्लीट हो गए हैं मेरी शादी को। तो ये बच्चे लोग थोड़ा बहुत ऐसा कि उन लोग ने वो करे, प्लान किए कि भाई हम लोग इस तरीके से मम्मी पापा की एनिवर्सरी मनाएंगे। और उन लोग ने कुछ गिफ्ट वगैरह भी दिए थे मेरे को और उसके पापा को। तो इधर वही सब चालू था सबका, और काफ़ी एंजॉय किया बच्चे लोग ने। उन लोग सुबह से ही कुछ गड़बड़ कर रहे थे, पर मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होएगा करके। तो फिर फटाफट सिर्फ मैंने कपड़े ही पहनी, ज़्यादा कुछ करी भी नहीं, ना तैयार हुई ना कुछ, बस सिंपली जो था उसी में फिर हम लोग ने ये केक कटिंग वगैरह सब किए थे। तो इधर मेरा भाई भी आया था, तो मैं, ये रहा मेरा भाई है, ये इसको भी मैं केक खिला रही थी अभी। और इधर मेरा देवर है, ये छोटा वाला बीच वाला जो मेरे हस्बैंड को केक खिला रहा है वो। मैं, मेरे देवर देवरानी हम लोग साथ में ही रहते, हम लोग एक जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। तो इधर सब वही सब चालू था इन लोग का। और इधर मुझे इस चीज़ पे बहुत हंसी आ रही थी, मेरी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत अजीब लग रहा था ये सब जो हो रहा था इस टाइम पे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था ना, तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था ये सब चीज़। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे ये रिंग गिफ्ट किए थे एक, और उसके अलावा भी कुछ गिफ्ट लाए थे वो, तो वो मुझे दिए। ये बच्चे लोग ने गिफ्ट लाए थे हम लोग के लिए, तो ये बच्चे लोग का ही सब था, बच्चे लोग और उसके अब्बा और सब मिलके। और ये मेरा छोटा वाला बेटा है जो ऐसी मस्ती करते ही रहता है। और ये लाइबा ने भी मुझे गिफ्ट दी थी। और अभी आगे आगे तो देखिए कैसे कैसे उन लोग ने गिफ्ट दिए हैं मुझे, उसके अब्बा को, इतने अजीब अजीब गिफ्ट दिए ना, कुछ कुछ तो इतने हंसी वाले थे कि क्या बताऊँ आपको। तो आप आगे ज़रूर से देखिए उस चीज़ को, और ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए तो आपको मज़ा आएगा कि किसको क्या गिफ्ट मिला है और सब। तो वही उसको सब मस्ती सूझ रही थी, बच्चे लोग को भी काफ़ी इस टाइम पे। और ये लाइबा का ही प्लान था कि ऐसी फीस मेरे हस्बैंड को पसंद है ना ज़्यादा, तो उन्होंने फिर मेरे देवर ने वो गिफ्ट में लाए थे, फीस लाए थे। जैसे कि आपको पता है मेरे घर पे फिश टैंक है, तो ये फीस लाए थे उन लोग, हम लोग को गिफ्ट में फीस भी मिली थी। और अभी आगे फिर इसके सब जो अपने जो गिफ्ट दिए थे वो गिफ्ट ओपनिंग होएगी। तो इधर हम लोग सब वही करने बैठे थे, सब बच्चे लोग भी इधर ही थे सारे, और हम लोग सब इधर गिफ्ट खोल रहे थे कि किसने क्या दिया है क्या नहीं। तो वही सब चालू था। उन लोग ने गिफ्ट पैकिंग में भी इतनी मस्ती करे हैं, इतना पैक करके दिए हैं हर चीज़ के, क्या बताऊँ आपको। अब जैसे जैसे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आते होएगी। अगर पसंद आते तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब,
मेरे वीडियो छोटे रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो रहते हैं तो भी पब्लिक फिर बोर हो जाती है। इसके लिए मैं ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं डालती हूँ, छोटे छोटे वीडियो ही डालती हूँ। और ये जैसा हम लोग हमारे घर के अंदर रहते हैं, जिस तरीके से हम लोग जो चीज़ एंजॉय करते हैं, जो भी हमारे खुशी के गम के पल है, वही वैसे ही हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ मेरी देवरानी ने लाइबा ने मुझे ये टॉप गिफ्ट करी थी, क्योंकि वो काफ़ी दिन से बोल रही थी कि माँ मैं तुम्हारे को ऐसा दूंगी वैसा दूंगी, तो मैं मना करी थी। मैं बोली नहीं, कुछ भी मेरे को नहीं चाहिए, कुछ करने का नहीं है। तो भी फिर इन लोग ने इतना कुछ करे, तो इन लोग सबका थैंक यू, सबको जजाक अल्लाह के सबने इतनी हर चीज़ मुझे दी और इतना प्यार दिया सबने मुझे। और वैसे भी बच्चे बड़े हो जाते हैं तो तभी अपने को इतना कुछ ये सब चीज़ का वो नहीं रहता है, पर माशाल्लाह बच्चे लोग की इतने वो खुश थे इस चीज़ के लिए। तो ये सब बच्चे लोग ने ही मिल के किए थे, बच्चे लोग, उसकी चाचा चाची, उसके अब्बा, उसके मामा, उन लोग सब ने मिल के ये चीज़ किए थे। बाकी मैं ये सब चीज़ इतना मेरे को पसंद नहीं है, ये सब चीज़ इतना अभी उन लोग की खुशी के लिए ये सब चीज़ हम लोग ने करे, केक कटिंग वगैरह ये वो सब। तो इधर सब ये लोग गिफ्ट दे रहे थे, तो वो वाला वीडियो है, देखो इन लोग ने कितनी शरारत करे, कितने सारे न्यूज़पेपर डाल डाल के ये सब पैक किए हैं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये देखो गिफ्ट तो कैसा उड़ उड़ के भाग के जा रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है, और काफ़ी एंजॉय किए थे हम लोग ने फिर उस दिन। तो ये कुछ बच्चे लोग ने कुछ क्या दिए थे मेरे को भी ध्यान नहीं है, हाँ उसके अब्बा के लिए किचन दिए थे, और मेरे रेजन हट का जो अभी चल रहा है ना वही उन लोग लेके आए थे। तो ये उन लोग उसके अब्बा के लिए किचन लाए थे, और मेरे लिए कुछ था चैन पेंडल जैसा कुछ उन लोग लेके आए थे बच्चे लोग। तो अच्छा था, नाइस था, वो भी मेरे को पसंद आया था, काफ़ी अच्छा था। तो ये रहा है, वही बता रही है कि ये दिए है करके। तो इधर अभी जो दूसरा इसके अब्बा को जो गिफ्ट मिला था वो इधर खोल रहे लोग सब मिलके। तो ज़्यादा करके बच्चे लोग को एक्साइटमेंट रहती है गिफ्ट खोलने की और हर वो चीज़ की। तो इधर वही सब खोल के चेक कर रहे किसने क्या दिया है। और इधर देखिए हम लोग को गिफ्ट में अंडा मिला है, जैसे हर अंडे पे हर किसी का नाम लिखा है, जैसे अमान लिखा है, अयान लिखा है एक पे, इस पे मेरा और अब्बा का, उसके अब्बा का नाम लिखा है। और ये देखिए ये मेरा है, मेरा उसका है अंडा, मेरे नाम का अंडा उन लोग ने वो करे है। तो इधर वही सब इन लोग बता रहे थे हम लोग सब मिलके। और ये रहा, ये देखिए आयान अमान और उसका है, और मुस्कान के नाम का भी है एक अंडा जिसपे कुछ उसकी चाची ने लिखा था, तो दे नहीं रही थी कि उस पर क्या लिखा है करके, मस्ती कर रहे थे वैसे। तो ये सब इधर चालू था सबकी मस्ती, ये सबके नाम के थे, अयान अमान मुस्कान लाइबा। आपने कभी देखे ऐसा गिफ्ट किसी को देते हुए? तो हमारे घर पे ऐसा सब चलते ही रहता है, अलग अलग डिफरेंट हर चीज़ कोई करते ही रहता है। तो इस तरीके से हंसी मजाक होती है, सबकी मस्ती होती है, फन करते हैं सब। तो ये गिफ्ट दिए थे, और उसके अलावा ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिए थे। और ये सब मेरे ख्याल से जब भी मैं इधर नहीं थी, जब मैं गांव में गई थी तभी उन्होंने ये सब लेके रखे थे, क्योंकि
मेरे सामने तो ले ही नहीं सकते कुछ भी गिफ्ट, क्योंकि घर पे ही लेके आएगी तो पता चल ही जाएगा। तो वैसे भी लेडीज़ लोग के सामने तो कुछ छुपा ही नहीं सकते जल्दी हस्बैंड लोग। तो यही फिर उन लोग, मैं गांव गई थी ना शायद तभी लेके आए थे, तो सब पैक करके सब रख दिए थे उन्होंने। तो ये उन्होंने मुझे पर्स गिफ्ट किए हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये पर्स। तो ये काफ़ी अच्छा पर्स लगा मेरे को। तो फिर इसके अलावा फिर काफ़ी, मतलब के बहुत मेरे को खुशी हुई उन लोग ने मेरे को ऐसा सब गिफ्ट दिए थे। और वैसे भी मेरा पसंद का ही हर चीज़ इन लोग ने दिए है मुझे, जैसे मेरे हस्बैंड ने, बच्चे लोग ने, सब ने मुझे मेरी पसंद के ही गिफ्ट दिए है। और इसमें भी कुछ गिफ्ट ही था, कुछ आई थिंक कपड़े वगैरह दिए थे। हाँ, इसमें उन लोग, उन्होंने कपड़े लेके दिए थे मेरे को, तो कपड़े भी काफ़ी अच्छे थे वो, मुझे अच्छा लगा वो। और कलर भी उसका काफ़ी अच्छा था उस कपड़े का, और पूरा रेडीमेड ही है सूट पूरा, तो मुझे वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं इसके लिए भी मेरे हस्बैंड का, बच्चे लोग का, मेरी देवर देवरानी का, सबका थैंक यू। और ये देखिए काफ़ी अच्छा है ये भी। मैंने किसको भी कुछ भी गिफ्ट नहीं दी, क्योंकि मैंने, मेरा ऐसा कुछ इरादा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हम लोग करेंगे या ऐसा कुछ होएगा। इसके लिए मैंने किसके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए भी गिफ्ट नहीं लाई थी मैं, क्योंकि हम लोग करते ही नहीं है ये सब चीज़ में, मतलब उतना वो नहीं है, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं लाई थी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज। તમે એકલો હોય ત્યારે તમે નાગો નાચા કરો થોડું સ્ટાઇલ માર।